नमस्कार और स्वागत है आप सभी का टेक्निकल टावर पर। दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव और 12 यूट्यूब चैनल चलाते हैं। 12 यूट्यूब चैनल चलाने का जो अनुभव है, वही चीज़ आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं। ना कोई बनावटी, ना कोई फेक, ना कोई जादुई ट्रिक बताते हैं। मतलब जो जेन्युइन है, जो हो सकता है, वही जानकारी हम टेक्निकल टावर के माध्यम से देते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा YouTube पर तमाम वीडियो ऐसे हैं कि बड़े अजीबोगरीब टाइप के ट्रिक बताते हैं कि इससे आपके वीडियो वायरल होंगे, या इस टॉपिक पे काम करें, या टॉपिक कैसे ढूंढें, और अगर इस प्रकार काम करते हो तो लाखों व्यूज आ जाएंगे। दोस्तों, वो सब चीज़ें गलत होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो जेन्युइन होता है, जो प्रैक्टिकली हो सकता है, उस पर काम करने का एक अलग ही मज़ा होता है और एक अलग ही रिस्पांस मिलता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि जैसे किस तरीके से अगर किसी कंटेंट को हमें बनाना है, या किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक पे अगर हमको वीडियो बनाना है, तो उस टॉपिक को कैसे ढूंढें और कैसे रिसर्च करके उस पर बनाएं। अगर रिसर्च करके बनाते हैं और इस तरह से ढूंढ के बनाते हैं, तो गारंटी है कि व्यूज आएगा, भले ही आपका बहुत ही नया चैनल क्यों ना हो। आज हम आपको एक नया चैनल दिखाएंगे जिस पर आप ये वीडियो देखना शुरू किए हैं। अभी दिखाते हैं कि कितना जल्दी मैंने इस चैनल को अभी बहुत जल्द ही बनाया हूँ, लेकिन उसके व्यूज जो जेन्युइन व्यूज हैं, कोई फेक नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई दिखावा नहीं, किसी भी प्रकार से अनलीगल नहीं, और जिस हिसाब से YouTube काम करता है, और YouTube के माध्यम से ही, YouTube पर ही हमने सर्च करके, YouTube के कुछ तरीके हैं उस पर फोकस करके मैंने काम करना शुरू किया, और हमारा चैनल इस समय सही तरीके से चल रहा है, किसी अनलीगल तरीके से नहीं, एकदम सही और जेन्युइन तरीके से चल रहा है, और YouTube हमें सपोर्ट भी कर रहा है। हम आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से दिखाते हैं कि हम जब अपना कंटेंट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, हम टॉपिक ढूंढते हैं तो कैसे टॉपिक ढूंढते हैं। कहीं से नहीं, बेकार की बातें नहीं लेकर आएंगे, सब YouTube के माध्यम से ही आपको दिखाएंगे कि कैसे टॉपिक ढूंढ लेते हैं। अगर हमें किसी टॉपिक पे काम करना है तो उस टॉपिक पर हम रिसर्च कैसे करते हैं, और कैसे पता लगाते हैं कि ये कंटेंट कम है, अगर इस टाइम पर इस प्रकार का कंटेंट डालेंगे तो सबसे ज़्यादा व्यूज कैसे आएगा, दिखाते हैं आपको। ले चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो दोस्तों, अब आप आ चुके हैं हमारे स्क्रीन पे, और हमारा आप डैशबोर्ड देख लीजिए, एकदम नया चैनल है और हम कंटेंट आपको दिखा दे रहे हैं, जिसमें आप देखते होंगे अभी जो है 12 मई को मैंने चढ़ाया है, एकदम नया चैनल है, ज़्यादा वीडियो नहीं है, वीडियो भी काउंट करके दिखा देता हूँ। 12 मई को चढ़ाया हूँ और 756 है, ये जो है 4 मई का वीडियो है, 902 व्यूज़ है, ये अप्रैल 25 अप्रैल का है, 1432 है। उससे पहले जो शुरुआती एकदम स्टार्टिंग वाले वीडियो थे उस पर बहुत कम व्यूज आते थे, और अभी तक मात्र 14 वीडियो इस पर मैंने चढ़ाया है। अब इसमें आप देखोगे कि धीरे धीरे मैंने जिस हिसाब से वीडियो बनाना शुरू किया हूँ, जिस हिसाब के कंटेंट इस पर मैंने डालना शुरू किया हूँ, और जो टेक्निक अपनाता हूँ सब्जेक्ट ढूंढने के लिए, वो बड़ा इजी और आसान और बड़े सरल तरीके से आ जाता है यूट्यूब के ही माध्यम से, और हमें बहुत सपोर्ट मिलता है कंटेंट बनाकर रिलीज़ करने में, और यूट्यूब भी उस विषय पर जो है सपोर्ट करता है हमें, हमारे कंटेंट को वायरल कराने में। तो दोस्तों, हम करते क्या है, आपको अगर बढ़िया कंटेंट ढूंढना है कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं जिस पे जो है व्यूज ढंग का आए और कंटेंट गैप हो। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसे टॉपिकों पर काम करना शुरू कर देते हो कि जिनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और बहुत से मित्र देखता हूँ कि वो पुराने पुराने टॉपिक पे काम करते हैं जिन पे पता नहीं कितने कंटेंट पड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाता हूँ, मैंने इतना कीवर्ड मतलब सब्जेक्ट कंटेंट बनाने के लिए मैं छाट के रखा हूँ, जैसे यूट्यूब वीडियो वायरल करने का तरीका। अब कैसे करें तो बहुत वीडियो आ जाएगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी ढूंढते हैं कि यूट्यूब वीडियो वायरल करने का नया तरीका, ऐसे ढूंढने में अगर ये टाइटल और इस सब्जेक्ट को ध्यान में रख के आप वीडियो बनाते हैं तो सबसे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो कम है। अभी हम इसको साबित कर दे रहे हैं यूट्यूब पर सर्च करके, यूट्यूब वीडियो वायरल होने पर कितना रुपया मिलता है, ये भी बहुत वीडियो मिल जाएंगे, मतलब यूट्यूब वीडियो 1 मिलियन पर कितना पैसा देता है, या YouTube वीडियो 10 मिलियन पे कितना पैसा देता है, इस पर भी बहुत से वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन जब आप YouTube वीडियो वायरल होने पर कितना रुपया मिलता है इस टाइप पे बनाओगे, या इस टाइप के कंटेंट का कीवर्डिंग करोगे, और जितने भी व्यूवर इस टाइप के लिख के खोजेंगे तो आपका वीडियो सबसे ऊपर आएगा। या आपको बाइक, ट्रैवल, ब्लॉगिंग, करंट अफेयर, एजुकेशनल वीडियो,
इन सब चीज़ों को अगर आपको बनाना है, इन सब टाइप को हमारे पास बहुत से कीवर्ड मैंने इसमें सेव कर रखा है, आप देखोगे। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको बनाना है तो आप टॉपिक का चुनाव, यानी कि सबसे डिफरेंस, यानी कि जो कंपटीशन है उसको साइड में करके सबसे अलग का कंटेंट कैसे बनाओगे, सबसे पहले इस पर हम फोकस करते हैं। दोस्तों मैंने ये कीवर्ड कॉपी कर लिया है और आपको सीधे YouTube पर लेकर चलेंगे, क्योंकि YouTube ही बताता है इन सब चीज़ों को। बहुत से लोग बहुत तरीके से बता देते हैं, वो झमेला हो जाता है, बेकार की चीज़ें होती, कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम मान लिया आ गए YouTube पर और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं जो अभी कीवर्ड मैंने कॉपी किया था। अब इसको अगर हम सर्च कर देते हैं तो सबसे पहले देख लीजिए मनोज दे का है, 6 महीने पहले का, फिर 3 ईयर पहले का एक मनोज दे का ही वीडियो है, 16 लाख गया है। ऐसे ऐसे आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन अगर हमें इन्हीं सब टाइपों पर बनाना है वीडियो, तो हमें करना क्या होता है, यूट्यूब के सर्च बार वाले ऑप्शन में आते हैं और इसको फिल्टर कर देते हैं दिस मंथ में। अब दिस मंथ में अगर देखा जाए तो 2 वीक पहले आपका कोई भी शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे होगा, इस टाइप के वीडियो 2 महीने पहले अपलोड हुए हैं, फिर ये 5 दिन पहले अपलोड हुए हैं, और ग्रो कैसे करें, यानी कि गेमिंग चैनल को ग्रो कैसे करें। तो सबसे मतलब जो वीडियो चल रहे हैं 2-3 साल से चल रहे हैं, जिस पे लाखों व्यूज हैं, अगर उसी टाइटल पे आप वीडियो बनाते हैं तो उसका उतना वैल्यू नहीं मिलता, उसकी उससे थोड़ा हटके बनाओगे तो देखो क्या रिस्पॉन्स है, इसमें ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दे रहा है। और आपको इन्हीं सब ढेर सारे वीडियो पर रिसर्च करने के बाद पता चल जाएगा कि आपका जो है कंटेंट कितना यूजफुल होने वाला है, आपके व्यूअर कितना इंटरेक्टेड होंगे आपके कंटेंट से, जब आप इन्हीं सब टाइपों का वीडियो बढ़िया से कीवर्ड करके और ढंग का वीडियो बनाकर जब इस पे डालोगे तो सबसे ऊपर आएगा। क्योंकि एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दे रहे हैं, इन्होंने एकदम नया क्रिएटर्स हैं, अभी व्यूज़ भी नहीं है, 3 दिन पहले डाला है, लेकिन लाइव प्रूफ यूट्यूब वीडियो वायरल करने का नया तरीका। आप देखो जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, इसने नया चीज़ जोड़ा है अपने टाइटल में, वायरल करने का नया तरीका। अब सबसे ऊपर इनका सर्च वीडियो लग रहा है, इसमें हम कुछ सेट नहीं कर रखे हैं, यूट्यूब स्वयं शो कर रहा है और गारंटी है कि इनका वीडियो चलेगा। आज नहीं चल रहा है लेकिन किसी ना किसी दिन पक्का है चलना है। उसके बावजूद अगर हम मान लिया किसी दूसरे कंटेंट पे काम करना चाहते हैं, या जो है ब्लॉग वीडियो कैसे बनाएं, अब ब्लॉग वीडियो कैसे बनाएं का अगर मैं बनाना चाहता हूं तो आएंगे यूट्यूब पर और यहां पर जो है फिर से हम सर्च कर लेते हैं पेस्ट करके ब्लॉग वीडियो कैसे बनाएं। अब ब्लॉग वीडियो 3 साल पहले मनोज दे का एक वीडियो शो कर रहा है, फिर 1 साल पहले 88,000 गया है, फिर जो है 2 वीक का इनका गया है 3 मंथ पहले, लेकिन हम इसको दिस मंथ कर देते हैं अगर फिल्टर में आके, तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें काम कैसे करना है या ब्लॉगिंग वीडियो कैसे बनाना है नए मैटर और नए ट्रिक का। तो दोस्तों जैसे देख लीजिए इनका सबसे ऊपर आ गया, 2 वीक पहले गया है। अब इनकी वीडियो में क्या क्या कमियां हैं, अगर इनसे बेटर हम वीडियो बना सकते हैं या इनसे बेटर थंबल वगैरह और ये कीवर्डिंग कर सकते हैं, तो अभी कंटेंट गैप है इसमें, आपका चांस बन जाएगा काम करने का। साथ साथ में देख लो 2 वीक में इनके 39,000 व्यूज़ गया है, कोई ख़ास वो नहीं है लेकिन फिर भी चल रहा है। नए यूट्यूब चैनल में व्यूज़ कैसे लाएं 2022 मनोज दे बनाए हैं। अब ये कंटेंट गैप है, इसमें आप बढ़िया सा वीडियो बनाकर लगा सकते हैं, गारंटी है कि इस पर व्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको और कई प्रकार के बाइक ट्रैवलिंग ब्लॉग पर अगर हमें बनाना है, बाइक ट्रैवल ब्लॉग अगर हमें बनाना है, तो इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, मतलब सेम प्रोसेस आपको करना होता है। इससे क्या हो जाता है कि आपको एक बहुत बढ़िया आइडिया मिल जाता है और वो आइडिया आपका ऐसे काम करता है कि फर्स्ट नंबर पे ही आपका वीडियो शो करने लगेगा। अब देख लो 3 साल पहले का 3 मिलियन व्यूज़ इन्होंने दिखाया यहाँ पर, फिर 1 ईयर पहले का, लेकिन हम इसको फिल्टर कर देते हैं 1 मंथ वाले में। जब 1 मंथ में फ़िल्टर कर देते हैं ना, तो जितने भी नए, अब 2 दिन में इनका 3,83,000 गया सबसे ऊपर, अब इनसे आप आइडिया चुरा सकते हो, यहीं से आइडिया आपको मिल जाएगा कि हमें किस तरीके का टाइटल टैग और किस हिसाब से भरना है, कितना मस्त और कितना बढ़िया रिस्पांस इन लोगों को मिल रहा है 2 वीक में। आप देख लो ये इनका देखो 1.3 मिलियन व्यूज़ गया है। ऐसे ऐसे कंटेंट गैप ढूंढिए, लोगों के बतावे या बेकार की चीज़ों में मत फंसिए। आप जब कंटेंट गैप ढूंढोगे, कंटेंट गैप अगर आप समझना शुरू कर दोगे और लोग किस हिसाब से बनाते हैं, आपको किस हिसाब से बनाना है, किस हिसाब से कीवर्ड
टैगिंग और सब कुछ आप इन्हीं लोगों से सीखिए, और जिसको ढूंढने से सबसे ऊपर आपका कोई भी वीडियो दिखता है तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट बनाकर आप ऐसा ही कीवर्डिंग और टैगिंग करिए, सबसे ऊपर सर्चिंग वीडियो आएगा, गारंटी है वीडियो चल जाएगा। बाकी जो तमाम तरह के फेक और फ्रॉड टाइप के वीडियो बनाते हैं लोग और बताते हैं, उससे बहुत बड़ा आपका नुकसान हो जाएगा, चैनल बेकार हो जाएगा, चलेगा नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे, और जो मैंने समझाने की कोशिश की है ये 100% सही चीज़ है, इसमें ना कोई फेक है ना कोई फ्रॉड है। एक बार आप प्रयास करके देखोगे, गारंटी है कि हमेशा के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहोगे, क्योंकि ये सब चीज़ें अनुभव के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहिए, हम मिलेंगे ढेर सारा जानकारी के साथ ढेर सारे वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।